बीती गुरुवार की देर शाम तक बुढ़ाना ब्लॉक के गांव भसाना में ग्राम प्रधान अनवर चौधरी के आवास पर हुए फिल्मी ऑडिशन में कुल 25 प्रतिभागियों ने ही भाग लिया। फिल्म डायरेक्टर वामिक इलाही ने सभी आर्टिस्टों का ऑडिशन लिया एवं सबको रोल के हिसाब से फिल्म में काम देने का वादा किया। जिन प्रतिभागियों ने ऑडिशन में अपनी एक्टिंग दिखाई उसमें अकरम बच्चन, अनुषा शेख, अख्तर कुरैशी, आशु सिमरिया, अमित कुमार, खुशबू अब्बासी, आनंद वर्मा, मीनाक्षी तेजियान, दीपक राजपूत, सुल्ताना मिर्जा, हादी रिजवी, जबर गुलिया, नितिन कुमार, सचिन गुलिया, समीर दीवान, समर सिद्दीकी, वैभव भारद्वाज, वैभव गर्ग व योगेंद्र कुमार आदि थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एयर होस्टेस ही नाज, अति विशिष्ट अतिथि डीओपी राजीव सिंह व यूट्यूब एक्टर्स मानी गौतम, विशिष्ट अतिथि फजलू रहमान, कैमरामैन रहमान कस्सार व शबाना अब्बासी व विशेष अतिथि सेलेस्टन फैशन दिल्ली के डायरेक्टर रूबी न्यूटन के सभी प्रतिभागियों की एक्टिंग की तारीफ की। यहां मोनिका शर्मा, ललिता कश्यप व फिल्म के को प्रोड्यूसर निरंकार कुमार ने सभी प्रतिभागियों के फॉर्म भरने में सहयोग किया। इस दौरान फिल्म की शूटिंग की डेट 7 नवम्बर व फिल्म का नाम बेवा बिरान 18 पेड़े की घोषणा की गई। फिल्म प्रोड्यूसर नसीम कुरैशी ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी का आभार जताया। और मैं अत्तर जी के साथ एक्ट करना चाहती जी। 4 बजे छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। सॉरी, आप अब 6 बजे आ रहे हो। पापा, मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसके घर चली गई। अरे भाई, तुम्हें फोन तो करना चाहिए था ना। सॉरी। तो बहुत देर से आती हो। मेरी फ्रेंड भी चली जाती है, ऐसा नहीं है। फोन नहीं कर सकते तुम? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था डैडी। बहाने बनाते रहती है। नहीं बहाने। चल खाना खा। चल। नहीं, मुझे नहीं खाना। युवा कलाकार जो आज इस उम्मीद से आए हैं कि हम फिल्म में काम करेंगे, उनकी वो उम्मीद हमारे प्रोड्यूसर जी नसीम कुरैशी जी बखूबी निभाएंगे और जो जिस रोल के काबिल होगा उसे रोल दिया जाएगा। वो अपने रोल के साथ मेहनत से और ईमानदारी से उस रोल के प्रति, रोल का मतलब होता है मुझे ले है, अगर 4 शब्द का भी रोल मिलता है तो मैं उस 4 शब्द के रोल में ही खो जाऊं। जब मैं रोल कर रहा हूं तो मुझे ये ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं होना चाहिए पीछे किसकी आवाज आ रही है, आगे किसकी आवाज आ रही है, सामने किसकी आवाज हो रही है। अर्ध पागल जैसी स्थिति में कलाकार हो जाता है जब वो अपने और जो कलाकार उसमें रम जाता है वो कलाकार ऊंचाइयां छूता है। कोई भी व्यक्ति उसे ऊंचाइयां छूने से रोक नहीं सकते, चाहे वो छोटा कलाकार हो चाहे वो बड़ा कलाकार हो। अगर अपने रोल के प्रति कहीं भी लापरवाही होगी तो लापरवाही का मतलब यह है अगर हम अपनी इमेज को ठेस पहुंचा रहे। इसलिए मेरा सभी से जो आए हुए कलाकार है, बाहर से आए हुए कलाकार है, यहां से लोकल के कलाकार है, सभी से मेरा ये कहना है कि वो अपने रोल के साथ ईमानदारी से मेहनत करें और इतनी मेहनत करें। अब जो इनका मिशन है, नसीम कुरैशी जी का जो मिशन है, उस मिशन के साथ साथ आपका मिशन स्वतः पूर्ण हो जाएगा, आपका मिशन स्वतः पूर्ण हो जाएगा। यही बात है। अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, एक मूवी है पत्नी, इसमें आपका किस तरह का किरदार है, क्या मूवी है? मैं इसमें मेन लीड में काम कर रहा हूँ और ये जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी है, उस पर शॉर्ट फिल्म आधारित है। और इसकी कहानी इस चीज़ पे है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें दिखाया गया है कि आपकी पत्नी ही हमेशा आपके साथ रहती है और दूसरे कोई नहीं रहता। तो इसमें हमने एक रिलेशनशिप दिखाई गई है
जो कि इस बंदे के साथ चीट करती है, और उसके बाद की हमने पति पत्नी की एक बॉन्डिंग दिखाई गई है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से शो किया जाएगा एक पति पत्नी के बीच का रिश्ता। कहाँ कहाँ पे मूवी बनाई गई है? ये मुजफ्फरनगर में ही शूट की गई है। इसकी लोकेशन दो रखी है हमने, एक होटल में शूट किया हमने रेडियंट, और एक हमने घर पे ही शूट किया था। इस मूवी के माध्यम से जनता के बीच क्या मैसेज आएगा? हम इससे यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो असली रिश्ते हैं आप उस पे ही टिके रहें तो अच्छा है, इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा। और अन्य कौन कलाकार हैं आपके साथ इसमें? इसमें मेरे साथ राधिका, प्रिंस और आंचल हैं, और इसको डायरेक्ट किया है अखिलेश वर्मा जी ने, और इसकी पूरी कास्टिंग किया है मोहित मेहंदियान जी ने। क्या समस्त मुजफ्फरनगर निवासी या आप अन्य? समस्त मुजफ्फरनगर निवासी। मूवी सर की शॉर्ट मूवी पत्नी के नाम से रिलीजिंग की जा रही है, क्या है प्रकरण पूरा इस मूवी का? ये जो मूवी है एक शॉर्ट मूवी हमने बनाई है जो कि 5 मिनट की मूवी है, और यह जो मूवी है फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पेशल बनाई गई है जो कि जयशंकर प्रसाद की स्टोरी पर आधारित है। तो इस मूवी का नाम पत्नी है जिसको जिसके डायरेक्टर अखिलेश वर्मा रहे हैं, और हमारे ही मुजफ्फरनगर के जो एक्टर हैं अभिषेक शर्मा और प्रिंस वर्मा, और फीमेल में जो है एक्ट्रेस का जो किरदार निभाया है वो आंचल और राधिका ने निभाया है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा इस पिक्चर में किरदार निभाया है, और मेरे द्वारा इस पिक्चर में कास्टिंग की गई है, और आने वाले समय में भी हम काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ नई नई स्टोरी लेकर हम बना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंट में बनाई है द लास्ट विश जो कि हमारा नेक्स्ट वीक लॉन्च होगा। और पिक्चर्स और वेब सीरीज़ के साथ साथ हम अपने इवेंट्स पर भी ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना को देखते हुए हम डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क लगा करके एक प्रोग्राम जल्दी ही करने वाले हैं मुजफ्फरनगर में जो कि करवा चौथ स्पेशल डांडिया प्रोग्राम हम रखेंगे। तो ऐसे आने वाले जैसे हर साल मेरे सीज़न 1 सीज़न 2 होते हैं, मिस्टर मिस फेस ऑफ इंडिया, मिस्टर एंड मिस यूके यूपी, तो इसी तरह का हमारा जो है 2020 का जो प्रोग्राम है वो हमारा 12 दिसंबर के बाद होने जा रहा है जिसकी अभी कोई डेट हमने डिक्लेयर नहीं की है। मुजफ्फरनगर क्राइम के नाम से मशहूर है, मुजफ्फरनगर के अंदर क्राइम बहुत होता है, और आप एक अलग छवि मुजफ्फरनगर को देना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही है कि मुजफ्फरनगर का जो नाम है कि क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता है, मेरी तो यही है कि इस नाम को बदला जाए और इसको क्राइम सिटी ना कह करके एक टैलेंट सिटी कही जाए, कि जितने भी यहाँ के मुजफ्फरनगर के बच्चे हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े, उन सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरी तरफ से प्रोवाइड कराया जाए और उनका जो टैलेंट है उनको निखारा जाए, और उनको निखार करके आगे स्टेट लेवल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाए।